या कनाब दो भाई या कनस्ताइन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। तो गाइस, इस्लामियात के मोस्ट इंपोर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ हैं। हमारा टारगेट एज यू नो 500 एमसीक्यूज़ का है। इससे पहले 3 वीडियोज़ 50 50 50 एमसीक्यूज़ की अपलोड हो चुकी हैं। तो आज हम करेंगे 151 से 200 एमसीक्यूज़ तक। इंशाल्लाह ये आप जो गिनती लिखी हुई है यहाँ जल्दी 500 तक लेके जाएंगे इंशाल्लाह। Let's start guys. Ibrahim al-Islam remained in fire dash days. Ibrahim al-Islam कितने दिन आग में रहे? 40 दिन। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 40 days. नेक्स्ट इज Ibrahim al-Islam was dash years old when Ismail al-Islam was born. तो वो पूछ रहे हैं Ibrahim al-Islam की उम्र कितने साल थी जब Ismail al-Islam पैदा हुए? ईयर्स 86 साल के थे वो। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज हजरत डैश वॉज द फर्स्ट हु लर्न टू राइट। हजरत डैश वो पहले थे जिन्होंने लिखना सीखा, इदरीस अल इस्लाम। ऑप्शन बी इज करेक्ट। हजरत मूसा अल इस्लाम वॉज ग्रांटेड डैश मिराकल्स। हजरत मूसा अल इस्लाम को मोजात से नवाजा गया, कितने मोजात से नवाजा गया? 9 मोजात से। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज हजरत डैश वॉज फेमस फॉर हिज पेशेंस। हजरत डैश अपने सब्र के लिए मशहूर थे। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज प्रॉफिट हजरत डैश हैज ए टाइटल नजीबुल्ला। किन साहब के पास नजीबुल्ला का टाइटल है? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का पास। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज आफ्टर डैश डेज कंटिन्यूस रेन एंड स्टॉर्म द नेशन ऑफ हुड डिस्ट्रॉयड। डैश दिन की मुसलसल बारिश और तूफान के बाद कौम में हुद तबाह हो गई, कितने दिन मुसलसल बारिश हुई? तो वो ये पूछ रहे हैं 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 7 दिन, 7 days। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज यूसुफ इस्लाम एंड याकूब इस्लाम मेट ईच अदर आफ्टर डैश ईयर्स। हजरत यूसुफ इस्लाम और हजरत याकूब इस्लाम कितने साल बाद एक दूसरे से मिले थे? 35 साल बाद, 40 साल बाद, 45 साल बाद, 40 साल बाद। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज नेशन ऑफ डैश कमिटेड एम्बेजलमेंट इन ट्रस्ट। डैश की कौम ने अमानतों में गबन किया, यानी कि अमानतों में ख्यानत की, तो किन की कौम ने की? हजरत शुएब अलैहिस्सलाम। ऑप्शन सी इज करेक्ट। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम वॉज डैश ऑफ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के डैश थे। कौन थे? रिलेशन पूछ रहे हैं। फादर इन लॉ थे। ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी कि ससुर थे। नेक्स्ट इज नेशन ऑफ हुड डिस्ट्रॉयड बाय की कौम डैश के जरिए तबाह हुई। हजरत हुद अलैहिस्सलाम की कौम डैश के जरिए तबाह हुई, किस चीज़ के जरिए? कंटिन्यूस रेन एंड स्टॉर्म। ऑप्शन बी करेक्ट। अभी ये पीछे एमसीक्यू भी इसी से रिलेटेड था कि कितने दिन लगातार बारिश हुई, तो वो ऐसे ही होते हैं एमसीक्यू, अक्सर हमें आते होते हैं लेकिन वो घुमा फिरा के दिए जाते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज द वर्बल मीनिंग ऑफ वर्ड इस्लाम। लव इस्लाम का लवी मानी क्या है? ये ऑप्शन क्वेश्चन गलबन बी घुमा फिरा के आया है। ओबीडियंस ऑफ अल्लाह, अल्लाह के आगे यानी कि सजदा जेर हो जाना, यानी कि अल्लाह की इताअत करना, यानी कि अल्लाह की बात मान लेना, यानी कि इस्लाम का मतलब लवी मतलब यही है के बात मान लेना अल्लाह पाक की। व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ इस्लाम इज। इस्लाम का लवी मानी क्या है? अच्छा, अब इन दिए हुए गए ऑप्शंस में से देखें, टू बो डाउन द नेक, ठीक है, अल्लाह ताला के सामने सर झुका देने को, टू ओबे बात मान लेना, टू हैव सेफ
केस ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट इज इन इस्लाम लेजिलेशन रेफर्स टू, इस्लाम में कानून साजी से मुराद क्या है? रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर गवर्निंग अ नेशन, के कानून साजी जो है वो इस तरह की जाए कि कौम को गवर्न किया जाए उसके ज़रिए, कि किस तरह उनकी खिदमत करनी है या किस तरह उनको एक ठीक तरीके से ज़िंदगी गुजारनी चाहिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए असूलों के मुताबिक। कि जैसे हम सहाबा कराम के दौर उठा लें तो गवर्निंग है, काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स हैं, पुलिस डिपार्टमेंट है और जो ये माल गनीमत है, बैतुल माल का जो कॉन्सेप्ट है, अच्छा बहुत सारे गवर्नर कॉन्सेप्ट है बेसिकली। तो ये हमारे सहाबा कराम के दौर से ही मिलता है हमें। तो गवर्निंग बेसिकली यही है कि नेशन बिल्डिंग, कि ऐसे किया जाए कि नेशन को गवर्न किया जाए। नेक्स्ट इज टू विच प्रॉफिट मुस्लिम उम्मा बिलोंग्स, उम्मत मुसलमान का ताल्लुक किस पैगंबर से है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, होली प्रॉफिट्स हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। नेक्स्ट इज प्री रिक्वेस्टेड टू बी अ मुस्लिम इज, मुसलमान होने की शर्त क्या है? बोथ ऑफ दिस, फर्स्ट इज जस्ट रिसाइटेशन ऑफ कलमा, ये कलमा गो हो जाना यानी कि कलमा कह देना, जस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कलमा खाली कलमे की अंडरस्टैंडिंग करना, तो दोनों चीज़ें जरूरी हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट, बोथ ऑफ दीज। फ्रॉम विच वर्ड अकीदा इज ड्राइव्ड, अकीदा किस लफ्ज से माखूज है यानी कि किस से निकला अकीदा? अकद से। ऑप्शन सी इज करेक्ट। बेसिक पिलर्स ऑफ बिलीफ आर, अकीदे के बुनियादी सतून कितने हैं? फाइव। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज ऑपोजिट ऑफ तौहीद इज, तौहीद के मुखालिफ क्या है यानी कि तौहीद जो है वादानियत है तो इसके उलट क्या है? शिर्क। ऑप्शन सी इज करेक्ट, शिर्क यानी कि शरीक ठहराना, कि वादाउल्ला शरीक है उसका कोई शरीक नहीं, हमारा ईमान है ये अल्लाह पाक का। तो तौहीद इसी चीज़ को कहते हैं कि अल्लाह की वादानियत पर ईमान लाने को ही तौहीद कहते हैं। तो उसके ऑपोजिट क्या होगा? शिर्क, कि उसको हम किसी का शरीक ठहरा दें, किसी को उसका शरीक ठहरा दें, तो ये शिर्क होता है। अल्लाह बचाए और बचाए, इस बहुत बड़ा ये जुल्म है और बहुत बड़ा गुनाह है ये। एट विच ओकेजन सलात बिकेम ऑब्लिगेशन, नमाज किस मौके पर फ़र्ज हुई? मिराज पर। ऑप्शन ए इज करेक्ट, मिराज के मौके पर। ऑन विच टाइम द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज गिफ्टेड विद नमाज, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस वक्त नमाज का तोहफा दिया गया? एज यू नो अभी पढ़ा है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, मिराज की रात। नेक्स्ट इज फाइव प्रेयर्स वर डिक्लेयर्ड कंपल्सरी, पांच नमाजें कब फर्ज करार दी गई? दस नफरी में। ऑप्शन बी इज करेक्ट, फजर जोहर असर मगरिब एंड डैश आर कंपल्सरी सलात, ये तो पता ही होगा माशाल्लाह से। क्या फजर जोहर असर मगरिब और डैश फर्ज नमाजें हैं? ईशा, ठीक है, पांच नमाजें पूरी हो जाती हैं ईशा। नेक्स्ट इज ऑन द जजमेंट डे फर्स्ट क्वेश्चन विल बी अबाउट, क़यामत के दिन पहला सवाल क्या होगा यानी किसके बारे में होगा? नमाज के बारे में। ऑप्शन सी इज करेक्ट, यहीं से आप अंदाज़ा लगा लें कि नमाज की क्या अहमियत है और नमाज जब हम पढ़ते हैं तो उसमें भी हमारा ही अपना फ़ायदा होता है। तो नमाज पढ़ा करें, नमाज कायम करें,
ये कामयाबी की तरफ लेके जाती है और बुराई से बचाती है। तो और एक नमाज से दूसरे नमाज तक का जो बीच में गैप होता है उसके गुनाह भी माफ़ कर दिए जाते हैं। तो ये नमाज़ों के असरात भी होते हैं। नेक्स्ट इज द मगरिब प्रेयर इज ऑफर्ड। मगरिब की नमाज कब पढ़ी जाती है? जस्ट आफ्टर द सनसेट, सनसेट के फौरन बाद। द पार्ट ऑफ प्रेयर द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिड इज कॉल्ड। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज का जो हिस्सा अदा किया उसे क्या कहते हैं? सुन्नत। ऑप्शन डी इज करेक्ट। मुस्लिम मस्ट, यानी कि जो जो सुन्नतें होती है ना वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यानी कि कुछ हिस्सा जो है वो ऐड किया नमाज में, कि फ़र्ज़ होती हैं कुछ सुन्नतें होती हैं, जो सुन्नतें उनका पूछा गया बेसिकली। नेक्स्ट इज़ मुस्लिम मस्ट फेस इन द डायरेक्शन ऑफ डैश फॉर नमाज। मुसलमान को नमाज के लिए डैश की तरफ मुंह करना चाहिए, यानी कि उस तरफ मुंह करेंगे तो तभी नमाज होगी। खाना है काबा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। हाउ मच तकबीर्स आर रिसाइटेड बाय मोजन इन अजान। अजान में मोजन कितनी तकबीरें पढ़ता है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, 6 तकबीरें पढ़ते हैं। नेक्स्ट इज द तस्बीह ऑफ सुभान रब्बी अल अजीम इज रिसाइटेड इन। सुभान रब्बी अल अजीम की तस्बीह किस में पढ़ी जाती है? सजदे में, रुकू में, ये रुकू में पड़ी जाती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ये तो सबको ही पता होगा, कितना इजी क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट इज द तस्बीह ऑफ सुभान रब्बी अल आला इज रिसाइटेड इन। सुभान रब्बी अल आला की तस्बीह किस में पड़ी जाती है? सजदे में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज सलाते इस्तस्का इज ऑफर्ड ऑन द ओकेजन ऑफ। नमाज इस्तस्का किस मौके पर पढ़ी जाती है? शॉर्टेज ऑफ रेन, बारिश की कमी पर। नेक्स्ट इज सलात इस्तखारा इज परफॉर्म फॉर। नमाज इस्तखारा किस लिए अदा की जाती है? कमिंग हाजात के लिए। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज दिस सलात शुक्र इज डैश। सलात शुक्र क्या है? मुस्तहब है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज परफॉर्म सलात इस्तखारा इज नमाज इस्तखारा कर अदा करना डैश है। नफल है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज नेम द नफिल सलात विच कैन बी अफोर्ड आफ्टर सनराइज टिल 1/4 ऑफ द डे। इस नफिल नमाज का नाम बताएं जो तुलू आफ्ताब के बाद दिन के चौथे हिस्से तक पढ़ी जा सकती है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, चर्च की नमाज। द फ्यूनरल प्रेयर प्रेयर नमाज जनाजा इज, नमाज जनाजा डैश है, क्या है? वाजिब है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज 4 और 8 और 12 रकात ऑफर्ड इन दिन लेट नाइट इन इज कॉल्ड। रात गए पढ़ी जाने वाली 4 या 8 या 12 रकात कहलाती हैं। इशराक, सलाते तहज्जुद, वितर, सुन्ना। सलाते तहज्जुद। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज विच प्रेयर इज परफॉर्म वाइल स्टैंडिंग इन लाइंस। लाइनों में खड़े होकर कौन सी नमाज पढ़ी जाती है, यानी कि जिसमें खड़े ही रहते हैं? फ़नरल यानी नमाज जनाजा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। दी नमाज तरावी कैन बी ऑफर्ड बिटवीन द सलात ऑफ। नमाज तरावी कौन सी नमाजों के दरमियान पढ़ी जा सकती है? नमाज तरावी अमूमन रमज़ान में पढ़ी जाती है, हम पढ़ते हैं। अच्छा, ईशा के बाद पढ़ी जाती है, ईशा एंड फजर के दरमियान में। द एक्ट ऑफ शॉर्टनिंग वंस
प्रेयर वाइल ऑन जर्नी इज कॉल्ड। सफर में नमाज मुख्तसर करने के अमल को क्या कहते हैं? कसर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज व्हाट इज वर्बल मीनिंग ऑफ जक़ात। जक़ात का लफ्जी मानिंग क्या है? टू प्योरीफाई, के प्योरीफाई करने को, कि जक़ात बेसिकली हम देते हैं पैसे, तो जो माल इकट्ठा होता है, जो माल वगैरह के ऊपर दी जाती है, तो उसको प्योरीफाई कर देता है, उसकी जो एक किस्म कह लो कि जो गर्द उबार होता है वो उसके ऊपर धुल जाता है, तो प्योरीफाई हो जाता है, वो अच्छा हो जाता है इंसान बंदे के लिए। व्हाट इज द नंबर ऑफ ज़कात अमंग पिलर्स। स्तूनों में ज़कात का नंबर कौन सा है? थर्ड। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज इन विच हिजरी ईयर ज़कात वाज इम्पोज्ड। ज़कात किस हिजरी में आयद की गई? दो हिजरी में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ज़कात मनी कैन बी स्पेंट। ज़कात की रकम मंदरजा ज़ैल में से किस पर खर्च की जा सकती है? पुअर पीपल्स के ऊपर। ऑप्शन बी इज करेक्ट, गरीब लोगों के ऊपर। फुलक्रम निसाब फॉर कैमल इज डैश कैमल्स। ऊँट का निसाब क्या है, मतलब कितने ऊँट आपके पास हों तो आपके ऊपर ज़कात फर्ज हो जाती है। 5 कैमल्स, 5 कैमल्स हों तो आपके पास आपके ऊपर ज़कात जो है फर्ज हो जाती है, क्या आपको ज़कात देनी होती है फिर। व्हाट इज फुलक्रम ऑफ फॉरगॉट्स। बकरियों के लिए निसाब क्या है, कि मतलब कितनी बकरियां हों तो आपको ज़कात देनी होगी। 40 गोट्स हों तो ज़कात, यानी 40 गोट मिनिमम है, यानी इस ऊपर इससे होंगी तो फिर भी ज़कात देनी होगी। मिनिमम 40 होंगे तो ज़कात यहाँ से स्टार्ट है फिर आपकी। ऑन गोल्ड फुलक्रम इज डैश, सोने पर निसाब क्या है, यानी 7.5, 7 पॉइंट समथिंग बनेगा तोलास। व्हाट इज द रेशियो ऑफ ज़कात इन ग्राम ऑन सिल्वर अप्रोक्सीमेटली। चांदी पर ज़कात का निसाब ग्राम में क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज़कात वाले सारे जो आ रहे हैं ना, ये लाजमी रिपीट होता है इनमें से एमसीक्यू। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज व्हाट इज द रेशियो ऑफ ज़कात इन ग्राम इन गोल्ड अप्रोक्सीमेटली। सोने पर ग्राम में ज़कात का तनासुब तकरीबन क्या है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, 7.48 ग्राम्स ऑफ गोल्ड। नेक्स्ट इज 1 सिल्वर फलक्रम इज डैश, चांदी पर निसाब क्या है? ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो गाइज ये 200 MCQs हो गए हैं, तो 50-50-50 करके मैंने MCQs अपलोड कर चुका हूँ। वीडियो 3 है पहले ही है, पहली वीडियो 1 to 50 MCQs है, सेकंड वीडियो 51 से 100 तक है, थर्ड वीडियो 101 से 150 तक है, और चौथी वीडियो आप देख रहे हैं माशाल्लाह से 151 to 100 MCQs है। हमारा टारगेट है 500 MCQs तक लेके जाएं आप लोगों को, और मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड MCQs है गाइस। तो कुछ किसी को कोई भी आंसर गलत लगे ये क्वेश्चन हो तो वो लाजमी कमेंट करे, ठीक है, और कोई आंसर भी गलत लगे तो स्टडी करें, गूगल करें, मज़ीद पूछें, और फिर जो है वो कमेंट लाजमी करें अगर कोई गलत आंसर लगे आप लोगों को। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह ने के बाद।